बांदा के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां इलाज कराने आई एक महिला की लापरवाही के कारण मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि महिला का सही वक्त पर इलाज नहीं हो पाया, इसके चलते महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी। इमरजेंसी में भर्ती किया, इमरजेंसी में भर्ती करके बोतल चढ़ाया और मेडिकल से दवा मंगाया, पैसे देके पैसे लिया हमसे और पैसे लगा के दवा लेके आ गए और वो सुई लगाया और कह रहे घंटे भर के बाद यहाँ इमरजेंसी से यहाँ भर्ती कर दिया। अब इसके बाद जब 5:15 के लगभग जवाब लगा रहे हैं, कह रहे कि हमारे बस का रोग नहीं, आप ऐसा करिए कानपुर ले जाइए और कहीं भी दिखा सकते हैं। अब वो डॉक्टर साहब कह के चले गए, हमसे साइन करवा लिया तो दूसरे डॉक्टर आते हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपकी दवाई करेंगे। वहीं परिजनों ने जब इसकी शिकायत CMS से की तो CMS ने डॉक्टरों का बचाव करते हुए पुलिस को ही बुला लिया। इस पेशेंट को डॉक्टर हृदेश पटेल जो फिजिशियन है वो देख रहे थे। शाम को 6:30 बजे उन्होंने इस मरीज का रिफर बना दिया। हालत गंभीर थी, देखते हुए उनको बताते हुए बता दिया गया कि इस मरीज को कानपुर मेडिकल कॉलेज ले जाएंगे, रिफर उनको मरीज को प्राप्त करा देंगे। ये देखिए रिफर इसका प्राप्त किया हुआ रखा हुआ है, ये डॉक्टर साहब का टाइम डला हुआ है, ये रिफर उसके बाद मरीज अपनी मर्जी से गया नहीं। जाने के बाद जो संभव इलाज यहाँ चल रहा था वही चल रहा था, मरीज की हालत गंभीर थी तो डेथ हो गई उसमें। वहीं पुलिस ने परिजनों को शांत कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।